आइए जो है अगला अगला जो हम लोग का चैप्टर है, जो अगली टॉपिक है वो क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं या अब जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन लगाएंगे और समझेंगे कि कौन कौन से पेपर में जो क्वेश्चन हो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए जो हम लोग का क्वेश्चन हो क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो स्लोप निकालना है, ठीक है, टेंजेंट का इस कर्व से। ठीक है, तो हम लोग करना क्या, सबसे पहले एक्स लिखा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले क्या है, यहाँ पर डी एक्स निकाल लेना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। जब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2t आ गया प्लस 3t, इसको डिफ्रेंशिएट करें 2t हो गया और यहाँ कितना होगा 3 हो जाएगा, t का 1 माइनस टी है। आगे यहाँ पे जब डी एक्स अपन डी टी किए हैं, अब डी वाई अपन कितना करेंगे, डी टी करेंगे। जब डी वाई अपन डी टी करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4t हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्लोप का जो फार्मूला होता है वो स्लोप होता है कितना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग को जो वैल्यू आएगी वो डी वाई बाई डी टी हो जाएगी, अपान कितना होगा, डी एक्स अपान डी टी होगा, और ये वैल्यू जो है टी इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो हम लोग को अब यहाँ से देखिएगा जो वैल्यू होगी है 4t और -2 है अपान 2t + 3 है, और इसमें हम t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जै 8 -2 अपान, इसमें जब 2 रखेंगे तो कितना होगा 4 + 3 हो जाएगा, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6/7 हो गया। यही हम लोग का स्लोप का आंसर होगा, 6/7। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, आसानी से आप समझ सकते, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पर पेपर में आता है तो आप लोग देखते रहिए कि छोटा सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वन वन क्वेश्चन लेंगे, आपको देखने में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट भी होगा, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।